Hello and welcome. Welcome back to 5.0 Research Center. My name is Vikesh Yadav and we are going to discuss about agriculture engineering. In this lecture, we will discuss about farm machinery and harvesting machineries. जो harvest करने के लिए machine use की जाते हैं तो उनके बारे में हम discuss करने वाले हैं. देखिए हार्वेस्ट मशीनरी में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट है, तो मशीनरी में पर आवर्स में या कितने घंटे में हार्वेस्ट किया जा सकता है, उस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं मशीनरी में से. या फिर ये जो मशीन होती है जिससे हम नॉर्मल हैंडल वाला पावर टिलर के थ्रू जो हम कट कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कितना एरिया कवर कर सकता है, या ट्रैक्टर से जो यूज़ कर रहे हैं वो कितना एरिया कवर कर सकता है, टाइमिंग दे दिया जाएगा, उसके बाद में एरिया पूछ लिया जाएगा, एरिया दे दिया जाएगा, टाइमिंग पूछ लिया जाएगा, या डिस्टेंस उसकी दे दी जाएगी, एक ब्लेड की उसकी साइज दे दी जाती है, उसके बाद में आपसे एरिया पूछ लिया जाता है. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका कैलकुलेशन में कितना कैलकुलेशन के बाद में या एरिया टाइमिंग ये क्या होना चाहिए, तो उनके बारे में हम डेटास डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में. ठीक है, हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन में टू टाइप के हमें पता है इम्प्लीमेंटेशन होते हैं कॉमन, एक एनिमल ऑपरेटेड, एक पावर ऑपरेटेड. पावर ऑपरेटेड फ्यूल ऑपरेटेड में पावर टीलर के थ्रू ऑपरेट किया जाने वाला, ठीक है. सेकेंडली हम बात करें ट्रैक्टर ऑपरेटेड होता है, तो चलिए उनकी बारे में हम बात करते हैं. फर्स्ट वन की बात करें एनिमल ऑपरेटेड, CIA का मतलब क्या होता है, ये इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन भोपाल. इस स्टार्ट हुआ था 1976 में, 1976. सो ग्राउंडनट कम पोटेटो डिगर, ग्राउंडनट के साथ साथ में पोटेटो भी, या पोटेटो के साथ साथ में हम ग्राउंडनट भी सोविंग कर सकते हैं, या जो सॉरी सोविंग क्या, उसके साथ में हम पोटेटो भी निकाल सकते हैं. तो एक ही ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होता है जिससे चाहे ग्राउंडनट को हम हार्वेस्ट करें, ग्राउंडनट को हम उखाड़ें, प्लांट्स को अलग करें, या फिर हम उससे पोटेटो भी डिग कर सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं. तो एक ही इम्प्लीमेंटेशन होता है. इसकी साइज की बात करें तो ये 1500 साइज होती है, एमएम में इसकी साइज होती है, और पर 10 घंटे से 12 घंटे लेता है इस एरिया, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं. तो ये कितना टाइम ले रहा है, 10 से 12 घंटे लेने वाला है, आर्सेस लेने वाला है. तो मान लीजिए 10 से 12 घंटे लेगा, तो अगर हम हमारे पास में एक हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर में कितना एरिया होता है, एक हेक्टेयर में 10 एरिया होता है. तो हमने पहले भी बोला था कि जो भी यहाँ डेटा हो उसका पहले 10 में डिवाइड दीजिए. मैं 10 से 10 को डिवाइड देता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 1. अब हेक्टेयर जो भी, सॉरी, अपने पास में आंसर आ रहा है 1. अब जितना भी वो होता है अपने पास में डेटा में रिजल्ट मिलता है उसमें फिर 10 का डिवाइड देना है बस, क्योंकि डीपली नहीं जाना है क्यों दिया, कैसे दिया, उस चीज़ पे नहीं जाना है अपने को, फिर से 10 का डिवाइड देना है. तो इसको आ जाएगा 0.1, ठीक है. तो 0.1 यहाँ पे आ रहा है, 0.1 मतलब एक घंटे में 0.1 हेक्टेयर कवर कर सकता है, ठीक है. जैसे क्योंकि ये डेटा की बात करूँ कॉमन, अगर किसी को डीपली और समझना है तो यहाँ पे एक हेक्टेयर में कितना कितना मीटर होता है, 10,000 मीटर होता है. 1 हेक्टेयर इज टू 10,000 मीटर स्क्वायर. तो उन बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको इजी वे में बनाने की कोशिश की है. सेकंड बात करें पावर टिलर ऑपरेटेड, नेम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, वर्टिकल कन्वेयर रीपर किसके लिए यूज़ किया जाता है, वीट कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया, वीट हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है. द साइज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इज 1200 mm, and then area it will be cover area around 4 hours में, 1 hectare को cover करने में 4 hours लेगा. अगर 4 से हम divide देते हैं 10 का, तो data में क्या मिलता है, 0.05, मतलब 10 का देने से 1 मिलता है, 1 में फिर अपन 10 का देते हैं तो 0. क्या मिलेगा, यही data अपने को मिलने वाला है, 0.25 मिलने वाला है, 1 नहीं मिलेगा. 4 का 10 में देते तो 2.5 आएगा, और इसको 10 लगाकर 10 का इसके डिवाइड देते हैं तो 0.25 होता है. ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं तो आई होप आप समझ गए हों. यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल कन्वेयर बोला जाता है. तो इसकी साइज हमने कितनी देखी, 1200
साइज की अगर हमने बात किया तो इसकी साइज कितनी है, 1200 वर्टिकल कन्वेयर की। अब बात करते हैं यहाँ ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीनरीज की, बात करते हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए यूज की जाती हैं, इन विच वर्टिकल कन्वेयर रीपर, इसमें वर्टिकल कन्वेयर रीपर होता है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल द्वारा बनाया हुआ। दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जो सोयाबीन रीपर्स के लिए, एक सोयाबीन के लिए यूज होता है, एक होता है वर्टिकल कन्वेयर वीट के लिए, मोस्टली इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे आप वीट वाला देख रहे हैं, वर्टिकल कन्वेयर देख रहे हैं, यही हमने पहले टिलेज इम्प्लीमेंटेशन, टिलेज के जो सॉरी नॉट टिलेज टीलर जो होता है पावर टीलर के थ्रू ऑपरेट किया जाने वाले को हमने देखा। इसकी साइड 200 होती है, 200 mm में होता है, 200 mm में होता है तो 2.5 घंटे एवरेज ये लेने वाला है, 2.5 घंटे 200 mm 2.5 घंटे, ये कितना लेने वाला है, 2.5 घंटे। अब 2.5 से हम अगर इसके किसी टैंक में को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.4 आएगा, उसको 10 में दीजिए, फिर 10 को दोबारा 10 में उसको उसके अंदर 10 में दीजिए तो ये फिर भी कितना था, 0.4। तो यहाँ पे 2.5 आरसेस लेगा 1 हेक्टेयर को कवर करने के लिए, उसका हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ मल्टीपल डेटास की, थ्रेसिंग की कितना टाइम लेता है, कौन सी थ्रेसर कितना टाइम लेता है, पावर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। पावर ऑपरेटेड जो मशीन होती है, थ्रेसिंग जो थ्रेसर होती है, थ्रेसर जो होती हैं, अगर 5 to 10 HP का अगर इंजन हो यहाँ पे यूज कर रहे हैं या ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर या इंजन बोल सकते हैं, इंजन भी सेपरेट यूज करते हैं, तो कितना किलोग्राम पर आवर्स वहाँ से उसकी वर्किंग कैपेसिटी कितना किलोग्राम पर आवर्स अपने को हार्वेस्टिंग के बाद मिलने वाला है, थ्रेसिंग के बाद, नोट हार्वेस्टिंग के बाद, थ्रेसिंग के बाद में ग्रेन मिलने वाला है, तो 200 to 500। अगर 5 HP से 10 HP है तो 200 to 500। वेयर एज हाई कैपेसिटी मल्टी क्रॉप थ्रेसिंग की बात करें तो 15 to 20 HP वाले जो अगर पावर इंजन का यूज करते हैं, दैट वन विल जनरेट, वो कितना जनरेट करेगी, 1500 से 2000 किलोग्राम पर हार्सेस। एक घंटे में 15 से, मतलब ये कह सकते हैं 1.5 से 2 क्विंटल एक घंटे में वो साफ करके हमें देने वाली है, थ्रेसिंग करके हमें देने वाली है। ट्रैक्टर ऑपरेटेड PTO पावर ट्रांसमिशन, पावर टेक ऑफ, जो पावर टेक ऑफ के थ्रू पीछे जो PTO लगा होता है उसके थ्रू जो मशीन चलती है, थ्रेसर जिसको हम बोलते हैं, उसमें ट्रैक्टर यूज किया जाता है 25 से 35 HP वाला, और उसकी कैपेसिटी की बात करें 200 से 2500 किलोग्राम पर आस में प्रोड्यूस जो जनरेट करती है, क्लीन करती है उसको। अब हम बात करते हैं ग्राउंडनट थ्रेसर की, ग्राउंडनट थ्रेसर में 10 टू 15 अगर यूज कर रहे हैं तो 10 टू 15 में भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 10 टू 15 ये यहाँ पे कम होता है क्योंकि पावर ऑपरेटेड ये ग्राउंडनट के लिए नहीं है, तो यहाँ पे 5500 to 1000। तो ये डेटा तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इतना सा डेटा इतना तो आप याद भी रख सकते हैं। अब पेडी थ्रेसर्स के लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है, अब किसी में थ्रेसर की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा प्रोवाइड करवा सकती है, दाने ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ ग्राउंड नट की बात करें, अगर स्पीड से चला दिया तो ग्राउंड नट फूटने लग जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो क्या करता है कि कम वो टाइम ज़्यादा लेता है, या फिर वहाँ से जो थ्रेसिंग के बाद में निकल कर आता है हमारे पास में ग्राउंड नट, वो क्वांटिटी कम होती है पर आर्सेस में। यहाँ पे बात करते हैं पेडी थ्रेसर की, बात करें 5 to 15 HP वाले अगर इंजन से हम वर्किंग करवा रहे हैं तो 200 से 1000 टाइम लेने वाला है। तो अब एक चीज़ ये कह सकते हैं कि पेडी थ्रेसर और पावर ऑपरेटेड थ्रेसर जो होता है 5 to 10 और 5 to 15 दोनों इक्वल होते हैं, 200 to 500 200 to 1000, जिससे थोड़ा डबल हो जाता है इसमें पेडी में, क्योंकि पेडी में दाने पास पास में होते हैं गेहूं की तरह। यहाँ मेज थ्रेसिंग की बात करें तो मेज थ्रेसिंग 5
215 है तो ये कितना कवर कर रहा है, 500 to 2000। तो ये डेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसमें से कितना एचपी वाला इंजन, तो कॉमन की बात करें, अगर कॉमन की तो अपने को थ्रेसर, जो अपन थ्रेसर यूज़ करते हैं 35 से 35, ये एक तो कॉमन है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। जो एवरेज कॉमन है तो कॉमन पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला। ग्राउंडनट वाले की बात करें तो 500 to 1000 ये कॉमन है, ये पूछा जा सकता है। अदरवाइज 6 डेटाज हैं, ये आपको याद कर सकते हैं। यहाँ पे हार्वेस्टिंग मशीनरी आप देख रहे हैं, जिससे क्या होता है, हार्वेस्टिंग का काम भी होता है और थ्रेसिंग का काम भी होता है, दोनों काम एक साथ में होते हैं, हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेसिंग। तो ये मशीन देख सकते हैं, यहाँ से हार्वेस्टिंग वर्क हो रहा है, फर्स्ट में क्या किया जा रहा है, इस पार्ट से हार्वेस्टिंग वर्क हो रहा है। हार्वेस्टिंग के बाद में इसमें जब अंदर जाएगा, जाने के बाद में यहाँ कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद में इस पार्ट में वो आएगा, मटेरियल कट होने के बाद में, जिसमें दाना भी है और ग्रेन भी है और स्ट्रॉ भी है, दोनों छलने के बाद में, इस पार्ट में छलने के बाद में दाना यहाँ स्टोर, दाना यहाँ इस वाले बॉक्स में स्टोर होता है, यह आपको दिख रहा होगा। तो इस वाले बॉक्स में दाना स्टोर होने लगता है, ये दाने के लिए है, ग्रेन स्टोरेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दाने के लिए है। यहाँ पे वो होता है छन्ना, इसको जिसको बोलते हैं सैर बोलते हैं। तो यहाँ से स्ट्रॉ बाहर निकल जाता है, जो भी जिसको बोलते हैं हम भूसा बोलते हैं, वो बाहर निकल जाता है। तो स्ट्रॉ वॉकिंग पीछे की तरफ होता है, ग्रेन एलिवेटर ऊपर ग्रेन को चढ़ाने के लिए, ग्रेन स्टोरेज, ये ग्रेन स्टोरेज हो गया, थ्रेसिंग ड्रम हो गया इसके, ये थ्रेसिंग इसको बोलते हैं थ्रेसिंग ड्रम, जिसमें कटिंग होती है इसकी, थ्रेसिंग ड्रम। ये स्ट्रॉ लीवर के लिए, स्ट्रॉ को ऊपर चढ़ाने के लिए। यहाँ क्रॉप होती है, क्रॉप नीफ होते हैं, ये कटर होते हैं, उसको काटते हैं। और फीडिंग ऑगर्स, जिसको ये ऊपर चढ़ाने के लिए बेल्ट होता है, ठीक है। यहाँ फैन से क्लीन होता है, सेवियर जो हिलाकर हम छलनी जिसको बोलते हैं, चाप जो कटा हुआ मटेरियल आपको स्टोर चाप अलग दिखाई दे रहा है, तो इस फॉर्मेशन में होता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस क्या होते हैं कि थ्रेसिंग जो स्टोर कहाँ होता है, इसके अलावा हम ये बात करें स्ट्रोक किस डायरेक्शन से यूज़ की निकलता है, तो डिफरेंट होते हैं ना, थ्रेसिंग एक टाइप का नहीं होता, हार्वेस्टिंग मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। ये कोई साइड में भी फेंकता है, किसी के ऊपर पाइप लगाकर उसको इकट्ठा भी किया जाता है, दूसरी वहाँ पे ट्रॉली यूज़ करते हैं उसमें कलेक्ट भी किया जाता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स के होते हैं, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अब हम बात करेंगे स्प्रेयर की, तो चलिए स्प्रेयर मल्टीपल स्प्रेयर्स होते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। इस लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं थ्रेसिंग के ऊपर ही, हार्वेस्टिंग मशीनरी जो होती है उसके ऊपर ही। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल है, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर कीजिए। जो प्री पीजी एग्ज़ाम्स या एग्रीकल्चर की कोई भी एग्ज़ाम हो रही है, जो एग्ज़ाम में बैठने वाला है, तो उसको शेयर कीजिए, उसके लिए भी हेल्पफुल और हमें भी मोटिवेशन मिले। देखिए दोनों तरफ से, हम अगर फ्री में वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप लोग भी कम से कम, हमने हमारा काम किया तो आप भी अपना काम तो कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।